हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आ चुके हैं इंडिया गेट। एंड इंडिया गेट काफ़ी सालों बाद खुला है। आप लोगों को पता है, शायद काफ़ी लोग यहां पे विज़िट कर चुके होंगे ऑलरेडी, बट गाइस काफ़ी लोग नहीं आए होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्या चेंजेस आए इंडिया गेट में, क्या रेनोवेट हुआ है, इंडिया गेट का आने का प्राइस क्या होगा, टिकट लगेगी नहीं लगेगी, वोटिंग कहाँ चली, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना एंड गाइस वीडियो पूरी देखना, ठीक है? तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी हम इंडिया गेट के बहुत क्लोज आ चुके हैं। एंड गाइज, यहाँ पे एक नई चीज़ का इनोवेशन किया गया है। यहाँ पे अंडर पासेस बनाए गए हैं, जो कि पहले हमें राजपथ से अगर इंडिया गेट के पास जाना है तो रेड लाइट का वेट करना पड़ता था कि कब सिग्नल रेड लाइट होगी एंड लोग फिर क्रॉस करके जाते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो गाइज, जहाँ से हमारे जवान जा रहे हैं और कुछ पुलिस वाले हैं वो जा रहे हैं, वो अंडर पास है, तो उसके थ्रू आप अब इंडिया गेट पे जा सकते हो। तो चलो फिर अब हम आपको अंडर पास दिखाते हैं, जानकारी देते कि क्या है कैसे है। चलो, तो गाइस कुछ ऐसा है यहाँ का अंडर पास। ये है सिक्योरिटी चेकिंग। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पहले कैसी थी और अब कैसी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि पहले कैनाल कैसी थी और कितने जगहों पे थी और 101 एकड़ में लोन एरिया बनाया गया है। पैदल चलने के लिए जो रोड्स टाइप बनाया गया वो है ये। एक बार गाइस भीड़ देखो आप, इवनिंग का टाइम है ये, इवनिंग का, मॉर्निंग का नहीं है, ये इवनिंग का टाइम है। एंड ये अभी जा रहे हैं इंडिया गेट देखने, ये आर्यन जो कि वीडियो बना रहा है हमारे साथ, ये इस मेरे से मोटिवेट होकर वीडियो बना रहा है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, मत करना। तो गाइस, अब हम अंडर पास से तो निकल चुके हैं और ये रहा आपको निकलते ही सामने इंडिया गेट दिख जाएगा। चलते हैं। देखो गाइस, निकलते हमने क्या देखा, स्कूल के बच्चे, हम भी आते थे बचपन में यहाँ पे। तो गाइस, फिलहाल इवनिंग हो चुकी है एंड हमने क्रॉस कर लिया है अंडरपास। और मेरे पीछे भीड़ देखो, भीड़ देखो एक बारी। तो गाइस, एक और चीज़ है, जो अंडरपास में जितना भी खाली एरिया था वहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे अलग अलग सिटीज़ के, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो लगेंगे वहाँ पे, वो आने वाले टाइम में होगा, बट अभी नहीं लगी है। और यहाँ पे ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो ऐसा था कि यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह या कुछ भी मिलता नहीं था, वाटर बॉटल्स वगैरह तो नहीं मिलते थे, बट अभी ऐसा है नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि सेम जैसे पुराने टाइम में मिल रही थी चीज़ें, वो भी अभी भी वही चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पहले किसी की वीडियो देखी है और उन्होंने बोल दिया कि मतलब अब वो सब चीज़ें नहीं हो रही यहाँ पर, तो हो रही हैं, अभी भी पुराने टाइम की चीज़ें हो रही है। जैसे अंदर सब कुछ मिल रहा है, वाटर बोतल, पानी से लेके खाना पीना सब मिल रहा है। तो गाइस, फिलहाल इवनिंग हो चुकी है एंड इंडिया गेट मेरे पीछे है, इंडिया गेट के काफ़ी करीब खड़ा हूँ मैं। और अगर इसमें आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक, मेरी वॉइस अगर अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आई नो मेरी वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही होगी, तो गाइस कोऑपरेट कर लेना। बट इंडिया गेट गाइस अगर आपको दिख रहा है तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इंडिया गेट इस टाइम। और बाकी चीज़ें सारी वैसे, देखो गाइस मेरे पीछे ही भेलपुरी वाले भैया खड़े हैं, ये भी खड़ा है आर्यन, तो भेलपुरी वाले भैया सब वैसे ही मिल रहा है जैसे मिलता था यहाँ पे, तो कोई वैसा नहीं है। अगर आपने वीडियो देखी किसी की तो और उसमें मना किया गया, तो वैसा कोई सिस्टम नहीं है, जो था पुराना वैसे ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है गाइस। और बाकी चलते हैं, और अभी लाइटिंग बढ़ने दो, फिर मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या है।
तो गाइस यहाँ का जो सब में बड़ा चेंज है वो यहाँ पे जो पहले अमर जवान ज्योति जलती थी वो वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब कोई अमर जवान ज्योति नहीं जल रही है, वो वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। एंड अब इसके पीछे जाके दिखाते हो और एक चीज़ है जो चेंज हुई है यहाँ पे। तो गाइस जो यहाँ का सब में बड़ा दूसरा चेंज है वो ये है कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। एंड इसके ठीक पीछे वॉर मेमोरियल, वहाँ पे वॉर मेमोरियल है, जो लाइट जल रही है जहाँ पे वहाँ पे वॉर मेमोरियल है, बट हम उसकी वीडियो पहले बना चुके हैं तो हम वो नहीं दिखाएंगे। अब चलते हैं वीडियो में आगे। गाइस रात हो चुकी है और एक बार नज़ारा देखो पीछे का, ये हम अभी इंडिया गेट के पीछे का दिखा रहे हैं, आगे और भीड़ है, आगे और ज़्यादा भीड़ है।